प्रियंका गांधी पहुंची प्रयागराज। प्रयागराज हत्याकांड में अपनों को खोने वाले परिवारों के गांव पर मरहम लगाने पहुंची। परिवार को दी ढांढस और दिया न्याय दिलाने का आश्वासन। प्रियंका गांधी को देख परिजनों के छलक पड़े आंसू। हमारे चैनल के पत्रकार ने प्रियंका गांधी से पूछे कुछ तीखे सवाल, आइए सुनाते हैं आपको विस्तार से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में फूलचंद पासी के परिवार से मिलकर पीड़ा साझा की। पीड़ित परिवार ने रो रो कर प्रियंका गांधी से अपनी व्यथा सुनाई। फूलचंद पासी समेत परिवार के चार लोगों ने नृशंस तरीके से उनकी चार लोगों की हत्या कर दी गई थी। पड़ोस के ही सामंती गुंडों पर हत्या का आरोप है। परिवार की महिलाओं ने कांग्रेस महासचिव से अपनी पीड़ा साझा की। फूलचंद पासी के परिजनों ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने गुंडों को संरक्षण दिया। परिजनों ने बताया कि हमारी बात नहीं सुनी जाती थी और स्थानीय प्रशासन खुलकर गुंडों का साथ देती थी। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस सरकार में गरीबों, दलितों और वंचितों की कोई सुनवाई नहीं है। आज संविधान दिवस है। न्याय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है। मैं न्याय की लड़ाई के साथ हूँ। जिला प्रशासन DIG जिला अधिकारी प्रयागराज ने कहा, फाफामो के गोहरी गांव में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या में 11 अभियुक्तों में से 8 गिरफ्तारी हो चुकी है। परिवार की सुरक्षा हेतु पिकेट की तैनाती, मृतक के भाई के लिए अलग से पिकेट सुरक्षा की व्यवस्था, शासन द्वारा 16,50,000 की तुरंत सहायता। मृतक परिवार द्वारा शस्त्र लाइसेंस की मांग को भी स्वीकार किया। आवेदन के हफ्ते भर में शस्त्र लाइसेंस दिया जाएगा। प्रयागराज से मंडल ब्यूरो चीफ हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट। किसी से मिलती है, ऐसा ही हादसा होता है। आगरा को देखिए, आगरा में क्या हुआ, अरुण वाल्मीकि के साथ हाथरस में क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है। जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, तो क्या सब चुप रहते हैं, सब देखते ही नहीं? तो फिर संविधान दिवस मनाने का क्या मतलब है, क्या मतलब रहा है? कुछ गिरफ्तारी हुई है, शासन और प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं 11 लोग, स्पष्ट कह रहे हैं कि ये लोग पहली बार है। इससे पहले सितंबर में भी इसी घर में आके मार दी थी। 8 लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। 2020 में किया, 2020 में भी किया, 2019 में किया, 2021 में सितंबर में किया, अब आके ये काम किया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले क्यों नहीं रोका, जब 2019 में आके किया, इन्होंने प्रताड़ित किया, तंग किया, मारा पीटा, उसके बाद 2020 में, उसके बाद सितंबर में, तो रोका क्यों नहीं? यहाँ सुरक्षा क्यों नहीं दी? यहाँ पे जो आग चौकी लगाई है वो उस समय क्यों नहीं लगाई? कानून व्यवस्था, दलितों के बारे में सिर्फ बात की जाती है क्या? ठीक है, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि दलितों के लिए न्याय नहीं है, न्याय नहीं है। किसानों के लिए न्याय नहीं है, महिलाओं के लिए न्याय नहीं है। न्याय सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी सत्ता है, जो उनके साथ उठते बैठते हैं, और जो उनके दोस्त हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति, उनके लिए न्याय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए न्याय नहीं है। मैं 2 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ और बार बार ये स्पष्ट हो रहा है, बार बार ये दिख रहा है कि संविधान को नष्ट किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। सरकार के दावों को क्या कहेंगे मैम? कानून व्यवस्था से बड़ी बड़ी बातें आप सब देख रहे हैं। आप देखिए जो वीडियो इन्होंने मुझे दिखाया, वो आप देखिए क्या होना चाहिए मैम इस पूरे मामले में, आप देखिए। और फिर अगर आप खुद नहीं बोलेंगे, अगर मीडिया आज नहीं खड़ी होगी, अरे रुको यार, क्या हो चुका है? प्रियंका जी बोला जा रहा है कि जब तक चुनाव आ रहे मेरे बारे में कुछ नहीं कह रहे। हम लोग भी हमेशा कहते हैं मैं टूरिस्ट थी। पैन गया मेरा, संभालना भैया, भाई पैन गया मेरा, आवाज उठाते भाई, पैन गया मेरा। लड़ती रहूंगी जहाँ अन्याय हो रहा है, मैं जाती रहूंगी और मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी जिस जिसके साथ अन्याय हुआ। यहाँ क्या होना चाहिए मैम, क्या मांग है? सर ये बताएं कि क्या है पूरा मामला और इसमें अब तक क्या कार्रवाई की गई है और परिजनों की जो मांगे थी उनके मामले में क्या विचार किया गया है? कल की घटना जो फाफामो पुलिस स्टेशन में घटना हुई है, जिसमें चार लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी, इस घटना के संदर्भ में फाफामो में क्राइम नंबर 256/21 में केस रजिस्टर किया गया है, जो अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 302, 376D और पोस्को एक्ट 3-4 और SC/ST एक्ट अंडर सेक्शन 3-2 एंड 5 के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है। इसमें
इस केस में जो नामजद अभियुक्त है 11 लोग, उसमें से सभी लगभग सभी 8 को अरेस्ट कर लिया गया है। शेष 2 जो हैं वो बॉम्बे में हैं, उनके लिए भी टीम भेजी जा रही है, उनको भी लिया जाएगा शीघ्र ही। इसके अलावा एक अभियुक्त है जिनके बारे में है कि वो हॉस्पिटल में है, चलने फिरने में असमर्थ है, उनके बारे में भी उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इस घटना को समस्त कोणों से हम लोग छानबीन करते हुए जो भी असली अभियुक्त हैं उनको हम लोग पकड़ने का शीघ्रता से प्रयास करेंगे। शवों को, जो 4 लोगों के मृतक के शव थे, उनको पोस्टमार्टम करा दिया गया है, अंतिम संस्कार भी हो गया है। इस घटना को हम लोग अत्यधिक गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द इसका खुलासा करेंगे। इसके अलावा जो इनके मुख्य तौर से जो डिमांड थी कि इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, तो इनके घर के पास हम लोग पिकेट्स लगाए हैं। शस्त्र लाइसेंस की भी डिमांड थी, इसके लिए भी हमने कहा है कि जैसे ही अप्लाई करेंगे वो भी प्रक्रिया जल्दी ही पूरी करा ली जाएगी। इसके अलावा शासन की तरफ से जो अनुमन्य धनराशि है उसकी भी DM साहब ने घोषणा कर दी है, तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही इस मामले का न्यायपूर्ण ढंग से समाधान हो सके।